प्राइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद तो ब्लॉग बनेगा आज तो देखना कितना मस्त बनने वाला है गाइस अभी मैं अहमदाबाद पहुंच चुका हूं मैं अभी हो मतलब कन्ना के अंदर जा रहे हैं अभी तो आपको दिखाता हूं अंदर से कैसा है अभी मैं पहुंच चुका हूं अंदर तो मैं अभी भूख बहुत लगी और टाइम बहुत लग गया बड़ोड़ा से अहमदाबाद आने में अब तो अभी मैं डिनर करने जाऊँगा सीधा ऑर्डर कर दिया था रेडी है आपको दिखाता था डिनर में क्या ऑर्डर किया तो ये मेरा रूम है ये बेड्स है दो यहाँ पे टीवी है अगर कॉफी चाय बनानी हो तो यहाँ पे और वॉशरूम है ये पूरा और इधर से इधर से भी मिरर है इधर से पूरा रूम का वो भी देख लो आप कितना मस्त रूम है जोरदार शानदार जिंदाबाद थैंक यू मेरा खाना आ चुका है अभी तो मैंने ऑर्डर किया था पनीर लवाबदार और रोटी फ्राइड राइस एकदम जबरदस्त और नूडल्स तो मैं एंजॉय करता हूँ अहमदाबाद आ गए डिनर विनर हो गया लेकिन अभी बहुत लेट हो गया तो कन्वर्ट कन्नावर्टी क्लब बंद हो चुका है फिलहाल पूरा अंधेरा अंधेरा ही है इधर तो मॉर्निंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा क्लब कैसा है फुल ऑन मजा आने वाली है तो गुड मॉर्निंग तो रात को मैं बहुत थक गया था तो आपने जैसे कि देखा कि मैं कन्नावाटी क्लब में आया हुआ हूँ अहमदाबाद तो अभी वह जो सुबह के साथ तो अभी बाहर देखने जा रहा हूँ मैं उजाला तो हो चुका है बाहर वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रैक वैक है मेरे को कल रात को, को बताया था तो वो देखने जा रहा हूँ तो देखते हैं हम लोग मैं अभी आ चुका हूँ जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ट्रैक है यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है अभी यहाँ पे मज़ा आ रहा है मैं वॉक करने के बाद आपको आगे को और दिखाता हूँ देखा वहाँ पे ट्रैक वैक और पूरा क्रिकेट ग्राउंड था और भी बहुत कुछ है तो अभी म्यूज़िक बच रहा था इसलिए मैं वापस आ गया अभी थोड़ी देर बाद अगर थोड़ा टाइम के बाद मैं फिर जाऊँगा अगर म्यूज़िक व्यूजिक बंद हो गया फिर अच्छे से दिखाऊँगा क्रिकेट ग्राउंड है बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा है गार्डन में झूले वूले भी है बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त है मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इधर से आपको मेरी बैलकनी से दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हो वहाँ पे झूले भी है बैठने के लिए रेस्टोरेंट है कैफेज है इधर और उधर ग्राउंड है और मैं उधर चलने गया था मैं लंच करने आया था मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था लेकिन सिर्फ ब्रेकफास्ट में आज चाय पिया इसलिए मैंने दिखाया नहीं तो अभी मैं लंच करना है तो लंच आपको दिखाता हूँ लंच में मैं क्या खा रहा हूँ अभी तब तो को ले जाता हूँ मैंने बोला लंच करने आया था मैं तो एकदम प्रॉपर गुजराती थाल है यहाँ पे एकदम जबरदस्त दिखने में है खाने में भी होगा और चांदी के थाल में रॉयल थोड़ी रॉयल फीलिंग आनी चाहिए इसलिए चांदी के था चांदी का थाल है चांदी का ग्लास एकदम रॉयल फील आ रहा है एकदम माराजा जैसा और दाल है ये सब्जी देख सकते हो मैं थोड़ा क्लोजअप में दिखाऊं कैसा लग रहा है ये स्वीट है ये सांभर है रोटी पूरी बड़ा मेरा लंच हो चुका तो अभी मेरे लिए पान आया स्पेशल मुफ़ास टूर्पी और ये भी चांदी की ही प्लेट है चांदी की कटोरी एकदम मस्त जबरदस्त हाँ सॉरी ऐसा पान के अंदर मुफास डाल के और ऐसे खाना चाहिए <laughs> <laughs> कैसा है भाई कैसा है का पानी उसके अंदर मुफ्त पास भरो बोले उसके बाद खाओ तो हमारा लंच हो चुका है बिग गार्डन में आके बैठे हैं मस्त चिल मार रहे गार्डन से के बोला गार्डन है ये फाउंटेन एकदम मस्त अभी शाम को स्टार्ट होगा आप देख सकते हो कितना मस्त गार्डन है ये इधर हम लोग ऊपर कैफे सॉरी कैफे बोल रहे रेस्टोरेंट में खाने बैठे थे और उधर साइड मेरा रूम है देख सकते हो लास्ट में उधर मेरा रूम है और बहुत मस्त है उधर आप देख सकते हो उधर देख मेरी उंगली उधर साइड क्रिकेट ग्राउंड है बड़ा तो मैं रात को डिनर करने के लिए गया था रौनक रेस्टोरेंट जो बहुत फेमस है तोा फ्राई के लिए नॉन वेज उसके अंदर कले कलेजी कले कुर्दा भेजा बहुत फेमस है उसकी तंदूरी तो बहुत ही अच्छी है उसका पुलाव मसाला पुलाव और खिचड़ी और वो सब भी बहुत अच्छा लगता है और ये पूरा तवा चालू हो चुका है अभी बना आप जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर चाप और वो सब डाला है बोटी नॉनवेज है ग्रेवी में पकता है थोड़ा और एकदम रेडी होता है ये लोग के और रश बहुत रहता है जैसे कि देखा आपने एक डिश बन भी गई बहुत जल्दी और ये अमूल बटर डाला हुआ है और ये चिकन टिक्का मसाला बना रहे फिलहाल देखने में आपको कितना अच्छा लग रहा है मैं टेस्ट किया था मैंने ये बहुत पसंद था आप लोग भी कभी रौनक रेस्टोरेंट जाओ तो चिकन टिक्का मसाला ट्राई करना बहुत टेस्टी होता है उसकी हर डिश टेस्टी होती है लेकिन मैंने टेस्ट किया था तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा इसके बाद थोड़ा पैकेजिंग भी देखना आप चिकन तंदूरी की कितनी अच्छी होती है बाबी क्यों इतना मस्त बनता है इसके बाद मैंने वो भी शूट किया तो आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये चाप बन रही है फ़िलहाल और ये ऑलमोस्ट रेडी होता है इनका रश रहती है इसलिए ये सिर्फ तवे पे गरम करते थोड़े मसाले ऐड करते हैं उसके बाद रेडी टू सर्व आप देख सकते हो देखने में कितना मस्त लग रहा है तो आप समझ सकते हो टेस्ट में कितना अच्छा होगा बस थोड़े मसाले जैसे कि मैंने बोला ऐड करेंगे उसके बाद रेडी टू सर्व है एक सेकेंड दो सेकेंड रुकी और ये सर्व हो चुका तो कितना स्पीड में काम करते ये लोग आप देख सकते हो अभी ये भाभी क्यों आ गया और ये बटर लगा रहे पूरी तंदूरी पे, चिकन तंदूरी बेस्ट है इसका तो आप लोग भी कभी अहमदाबाद में रौनक रेस्टोरेंट में जाओ तो इसकी तंदूरी ज़रूर ट्राई कीजिए बहुत टेस्टी होती है एकदम लाजवाब टेस्ट है इसका अगर अहमदाबाद गए अगर रौनक की तंदूरी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया और एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि रौनक रेस्टोरेंट में सैटरडे संडे मत जाइएगा वहाँ पे बहुत रश रहता है कम से कम एक घंटा तो आपको वेटिंग के लिए लगता ही है मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हो वहाँ पे इतना नहीं रश होगा आपको टेबल मिल जाएगा लेकिन सैटरडे संडे बहुत रश रहता है अगर जिसको भी तवा फ्राई में भेजा पसंद हो कलेजी कुर्ता हो तो रौनक रेस्टोरेंट बेस्ट है उसके लिए तवा के लिए बहुत टेस्टी होता है उसका खाना मैंने सब चीज़ें ट्राई की थी थोड़ी थोड़ी मेरे को तो सब अच्छा लगा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था खाना उनका और बाबी क्योंकि तो बात ही नहीं कर सकते मैं डिलीशियस एकदम एकदम मस्त दिखती है अभी मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगा कि कई लोग कैसे पैकिंग करते हैं कैसे सर्व करते हैं इसके अंदर पूरा अमूल बटर जाता है और अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है वो भी डालते हैं एकदम टेस्ट बढ़ जाता है दोनों से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था आप देख सकते हो पीछे मैरिनेट किए हुए रेडी है इनके तंदूरी तो अभी मैं पीछे जाऊंगा तो आपको मैरिनेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे तंदूरी रखी हुई है उन्होंने और ये इसके ऊपर जाने वाला है जैसे कि मैंने बोला था अमूल क्रीम जाएगा तो वो इस पर जाएगा बटर भी जाएगा बटर के क्यूब जाएगा और अमूल क्रीम डालेंगे इसमें पैकिंग में और ये नया बैच आ गया एकदम दिखने में एकदम डिलीशियस है और ये बटर लगा रहे फिर से तो आप लोग भी बता सकते हो आपको नॉनवेज में क्या पसंद है तवा तोा बा बहुत सारे ऑप्शंस होते तो आप बताइए कि आपको क्या पसंद है कमेंट में मुझे तो तंदूरी ज़्यादा अच्छी लगती है बहुत टेस्टी होती है वो तो अभी मैं जहाँ से वो बना रहे हूं, वहाँ पर जाके दिखाऊंगा तो ये जहाँ पे वो बना रहे थे वहाँ से दिखा रहा हूँ मस्त दिख रहा है ये मैरिनेशन है ये एकदम हाफ रेडी थी और ये बटर डाल के एकदम मैंने जैसे को बोला था कि क्रीमी और बटर ही होगा तो ये बटर काट काट के रख रहे और अमूल क्रीम के साथ जाएगा इसके ऊपर चिकन के ऊपर तो ये अमूल क्रीम डाल दिया और बटर उसके ऊपर डाल दिया ये सर्व हुआ अभी पैकिंग भी ऐसे ही करेंगे फॉइल पेपर के साथ ये फॉइल पेपर निकाला ये तंदूरी डाली ये डाला बटर इसके बाद जाएगा फिर बटर तंदूरी और अमूल क्रीम जाएगी बहुत सारी तो आप देख सकते कि हो कितना मस्त टेस्ट होगा इसका जबरदस्त डिलिशियस एकदम और ये रेड तंदूरी आ गई पीछे से ये भी सर्व होगी और पैक होगा इसके साथ देखते बटर जाता है कि नहीं जाता मैंने हाँ रेड वाली के साथ मैं बता रहा था तो अभी देखते हैं कैसे पैक करते हैं रेड वाली अभी तो वाइट वाली चल रही है क्रीमी और ये रेड वाली डा पैक कर दी एकदम फॉइल पेपर में उसके साथ बटर नहीं डाला शायद पैकिंग में नहीं जाता लेकिन रेस्टोरेंट में मैंने बैठ के खाया था रेड तंदूरी तो उसके ऊपर मेल्ट करके बटर डाला था बहुत डिलीशियस था वो तो अब हम चाइनीज़ बनते हुए देखेंगे रौनक के सामने ही चाइनीज़ वाला है दिखने में मेरे को बहुत मस्त लग रहा था ये जैसे कि देख सकते हो तो पूरे पैन में उसने आग लगा दी कढ़ाई के अंदर बहुत मस्त दिख रहा है एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा इससे तो ये चिकन राइस बनने वाली है ये चिकन के टुकड़े डाल दिए अगर वीडियो मज़ा आ रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज और तो आप लोग कमेंट में बताइए आपको वेजिटेरियन खाना अच्छा लगता है नॉन वेज खाना अच्छा लगता है दोनों में से आपको क्या पसंद है कमेंट करके बताना कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब और आइकन दबा देना तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरे नई वीडियो की इसकी बहुत हाई फ्रेम पे बन रहा है चाइनीस एकदम जबरदस्त दिख रहा है अभी तो कलर डालने वाला है ग्रीन कलर भी डालेंगे लास्ट में ऐड करेंगे मैं मैंने देखा था आपको पहले से बता रहा हूँ मसाले उसके बाद सॉसेस डाले हुए हैं सोया सॉस चिली सॉस मिक्सिंग टॉस देख सकते हो कितना अच्छे से कर रहा है मिक्सिंग है इसकी देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ एकदम हाई फ्लेम पे बना रहा है ये बंदा उसके अंदर थोड़ी ग्रेवी ऐड की है एकदम जबरदस्त दिखने में ऑलमोस्ट बन के रेडी है हमारा चाइनीज इसके बाद ग्रीन कलर डालेंगे जैसे कि मैंने पहले बोला था ये ग्रीन कलर ऐड कर दिया और ये बन के रेडी है